लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कुछ समय से मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और उस बीच में जिस तरीके से ये पूरा घटना चक्र घटा, मेरे लिए भी शारीरिक तौर पर थोड़ा सा कठिन हो रहा था। हर समय हर परिस्थिति में को जानना, उसके ऊपर निर्णय लेना, उसको आप सबके सामने रखना, कई बार दवाई लेकर नहीं हिम्मत हो रही थी कि मैं खड़ा रह पाऊँ या ज़्यादा बातें कर पाऊँ। आज भी इसीलिए आप लोगों के सामने आया हूँ, आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा, जो भी प्रश्न आपके मन में होंगे वो ज़रूर आप लोगों के सामने रखूँगा। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें क्लियर होंगी। लड़ाई लंबी है, कई बार हम लोग की ऐसी मुलाकातें होंगी और समय समय पर जो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो जो भी आपके प्रश्न होंगे या जो जो भी अपनी तरफ से मुझे लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में जिन बातों को रखने की ज़रूरत होगी, वो समय समय पर आप लोग के सामने आकर मैं उसको रखता रहूँगा। साथियों, आप सबने देखा, मैं 5 मिनट में पहले अपनी बातों को रख लूँ, फिर आपके जो सवाल होंगे मैं उनको लेता रहूँगा। आप सबने देखा 8 अक्टूबर को मेरे पिताजी का निधन हुआ, उसके बाद तुरंत चुनाव में उतरने की बात आई। मेरे लिए वो एक कठिन समय था, एक कठिन घड़ी थी। एक तरफ पापा की बॉडी भी अभी हॉस्पिटल से घर नहीं आई थी और हम लोग चुनाव में उलझे रहे पूरा समय। मैं ईमानदारी से बोलूं, वो 40 दिन का लगभग का समय, 1 महीना 35 दिन का समय ढंग से घर पे घर वालों के साथ बैठ के पापा को याद करने का, उनको सोचने का वो समय ही वैसा नहीं मिल पाया। आने के बाद परिवार के साथ ज़रूर मैंने समय बिताया, काफ़ी घर वालों के साथ, मम्मी के साथ, परिवार के साथ, और उसके बाद वापस हम लोगों ने कि किस तरीके से इस चुनाव में और इस चुनाव के परिणाम पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा प्रमुखता से कि इस चुनाव में मिली लोक जनशक्ति पार्टी को जो एक बड़ी जीत हम लोग की हासिल हुई है। जीत चुनाव में, जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो कई बार जीत को सिर्फ और सिर्फ संख्या से आंका जाता है कि भाई आपके कितने विधायक आपके जीत के आए, कितने सांसद आपके जीत के आए। पर मेरे लिए भी एक बड़ी जीत थी जो लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में कहा जाता था कि भैया 2%, 3%, 4% की पार्टी है, जहाँ हम लोगों ने लगभग 6% का मत प्रतिशत हम लोगों ने कंसोलिडेट किया, वहीं लगभग 25 लाख के करीब वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिले और जो जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिला। और उससे भी सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने किसी भी परिस्थिति में, मैंने लोक जनशक्ति पार्टी ने, हम लोगों ने अपने मुद्दों, अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने समझौता नहीं किया। आप सबसे भी उस वक्त मेरी मुलाकातें होती थी ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, और मुझे याद है कि आप में से कई लोग ऐसे थे कि अरे छोड़िए, आप तो से बात कर रहे हैं, जब चुनाव आएगा तो देखिएगा आप लोग सीटों का समझौता कर लेंगे, आप सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाद में आप लोग साथ में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये आप सबको भी कहीं ना कहीं इस बात का लगता था। मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम कुछ मुद्दों को लेकर मौजूदा गठबंधन में जो जनता दल यूनाइटेड है उनके साथ हम लोग गठबंधन में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये कारण था कि हम लोग गठबंधन से बिहार में अलग होने का पार्टी ने फैसला लिया और हम लोगों ने अलग होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, मजबूती से हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। आज जब चुनाव ख़त्म हुए, उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। मुझे याद है कि मेरी शायद पापा की जब आखिरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी जब वो ICU में थे, तो उस वक्त भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। उनकी चाचा से भी बात हुई, चाचा को भी उन्होंने इसी बात के बारे में कहा कि क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि भाई पार्टी टूट रही है, पार्टी अलग हो रही है, इस तरह की जानकारी क्यों आती है। बट बहरहाल, निरंतर एक लंबे समय से एक बात स्पष्ट थी कि पार्टी में कुछ लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, जो चाहते थे कि भैया हम लोग कंफर्टेबल पॉलिटिक्स में रहें, कि चलिए जो हो रहा है ठीक है, होता रहे, ऐसे ही गठबंधन है, ठीक गठबंधन है, लड़ेंगे जीतेंगे। और हकीकत है, मैं इस बात को मैं झुठला नहीं रहा हूँ कि अगर जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों दल अगर साथ मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ते
तो हम लोग का एक तरफा जिस तरीके से लोकसभा में हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते, विधानसभा में भी हम लोग का परिणाम उसी तरीके से आता। पर उसके लिए मुझे नतमस्तक होना पड़ता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, उसके लिए मुझे समझौता करना पड़ता अपनी नीतियों से। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमकर हर एक जिले हर एक प्रखंड में जाकर वहाँ के लोगों से सुझाव लेकर जो हम लोगों ने तैयार किया था उसको सम्मिलित करने से साफ इनकार कर दिया गया। किसी भी गठबंधन में एक नॉर्मल प्रैक्टिस रहा है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप ड्राफ्ट करते हैं, साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हिसाब से सरकार चलती है। और मेरा भरोसा नहीं था कि भैया आपका साथ निश्चय बिहार में विकास कर सकता है। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जिसको बिहार से प्यार है, बिहारियों से प्यार है, बिहार के युवाओं से प्यार है, अपने समाज से प्यार है, हर वर्ग के समाज से प्यार है, जो व्यक्ति बिहार से प्यार करता हो वो शायद अपनी बातों को इतनी प्रमुखता से रखता जितनी प्रमुखता से मैंने रखा। और उसके सामने ना मैं झुका ना मैंने किसी तरीके का मैंने समझौता किया। और अपने विश्वास पर मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैंने चुनाव लड़ा। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, उन लोगों ने उस वक्त भी उस चुनाव के दौरान भी, जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, बट मेरे चाचा खुद उन्होंने चुनाव प्रचार में उस वक्त कोई भूमिका नहीं निभाई। मेरी पार्टी के कई और सांसद जो अपने व्यक्तिगत चुनाव में, वीना जी वैशाली वो अपने सुपुत्री उनके चुनाव लड़ रही थी वो उसमें व्यस्त थी, कैसर साहब का क्या ही कहना, उनके तो सुपुत्र खुद दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे वो उसमें व्यस्त थे। कई पार्टी के और नेता, मेरे छोटे भाई जब समस्तीपुर में मेरे दूसरे भाई चुनाव लड़ रहे थे उनके चुनाव में व्यस्त थे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कुछ लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी उस तरीके से उस वक्त भी देखने को नहीं मिली। और कहीं ना कहीं आभास कुछ लोगों को था कि आज नहीं तो कल पार्टी संभवतः इन सवालों को लेकर उनके सामने उनसे कार्रवाई कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। बहरहाल, जब चुनाव समाप्त हुए उसके बाद जैसा मैंने कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए था अपने परिवार के साथ रहने का, वो समय मिलने के बाद जब वापस हम लोग रणभूमि में उतरने की तैयारी कर रहे थे, कोरोना प्रोटोकॉल तब तक लागू हुए, इस महामारी से बचाव के लिए कई तरीके के नियम कायदे कानून बनाए गए। और उस वक्त हम लोगों ने पुनः कुछ समय के लिए अपनी तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर हम लोगों ने रोक लगाई। और उसके फिर तुरंत बाद मुझे टाइफाइड हुआ और संजोग ऐसा कि इस बार हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि लगभग 40 दिन से ज़्यादा का समय मुझे लगा अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने के लिए। अभी भी रिकवरिंग में ही हूँ, पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया हूँ, पर वो समय ज़रूर लगा। और तब तक दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पर था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं, अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो, और ये संपर्क नहीं होने के बाद, ये संवादहीनता आने के बाद मैंने स्वतः अपनी तरफ से, मैंने होली के दिन, क्योंकि वो दिन मेरे लिए एक कठिन दिन था, आप सब ने अनुभव किया कि जब पापा रहते थे तो किस तरीके से हम लोग घर पर होली मनाते थे, पर उस दिन ना सिर्फ पापा के नहीं रहने की वजह से ना सिर्फ होली फीकी थी, बल्कि उस दिन मेरे साथ परिवार के भी लोग नहीं थे, चाचा नहीं थे, कोई नहीं था। तो उस दिन मुझे वो अकेलेपन का एहसास हुआ और उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा, जो पत्र मैंने कल या परसों मैंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप सबके बीच साझा भी किया। और उस पत्र में भी अगर आप पढ़ेंगे तो अंत में मैंने यही लिखा कि कुछ भी है आप बात तो कीजिए, आके आप मुझे बुला लीजिए, जो भी आप अपनी बातों को रखिए। पिछले दो दिन से जब ये घटनाचक्र भी चल रहा था, मैं जानता हूँ कि आप सब भी काफ़ी जानना चाह रहे थे कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा क्या पक्ष है, बट मैंने अपनी तरफ से अंत तक मैंने प्रयास किया कि पार्टी और परिवार दोनों को एकजुट करके रख सकूं। लास्ट तक मैंने कोशिश की, आपने देखा कल परसों चाचा के मैं घर भी गया, वहाँ पर जाकर भी मैंने कोशिश की, कल भी मैंने अंत तक दोपहर तक, मम्मी खुद व्यक्तिगत तौर पर वो भी प्रयास कर रही थी चाचा से संपर्क साधने का, 10-15 दिन से वो अलग अलग माध्यम से उन्होंने भी कोशिश की कि उनसे बात करें और परिवार की बात है। और मैंने एक बार पहले भी कहा था जब परिवार के एक और मसला आया था कि मैं बहुत ज़्यादा सहज महसूस नहीं करता हूँ परिवार की बातों को सार्वजनिक तौर पर करने के लिए, पर कल जब अंत में आते आते जब इस बात का एहसास हुआ कि शायद अब चीज़ें अब हाथ से निकल गई हैं और जो मेरी कोशिश परिवार और पार्टी को एकजुट रखने की थी जब वो सफल नहीं हुई, तो उसके बाद हम लोगों ने कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई वर्चुअल मीडियम से, और उसमें क्योंकि पार्टी में अनुशासन कायम रहे ये जिम्मेदारी भी मेरी है, कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ कि कुछ लोग जो इस बात का दावा करते हैं या इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, उन्हें हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया,
मैं आप सब के माध्यम से पार्टी के संविधान की जानकारी संक्षेप में आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे साथ पार्टी के संविधान के निर्माताओं में से जो अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी के हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब अब्दुल खालिक साहब मौजूद हैं, AK वाजपेयी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने लीगली इस संविधान को ड्राफ्ट करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो संविधान के अनुसार जो ये दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हम लोगों ने उनको हटा दिया या फिर पार्लियामेंट में संसदीय दल का नेता बनना, भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता संसदीय दल का नेता, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। मैं तो चाहता हूं कि भैया आप आएँ और पार्टी की भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाएं। मैं चाहता हूं कि सदन में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक विषय पर पापा ने जिस तरीके से विश्वास करके, जिस तरीके से संसदीय बोर्ड ने मुझ पर विश्वास रख के मुझे संसदीय दल का नेता बनाया था, मुझे खुशी है कि हर उस मुद्दे पर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, जितने भी राम मंदिर की बात हो, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, निरंतर मजबूती से मैं सदन में अपनी बातों को मैं रखता रहा। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ये रहे। बहरहाल, पर जिस तरीके से उनको लीडर उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में, पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। वहाँ पर मौजूदा जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो आपस में इस बात का निर्णय नहीं ले सकते, ये पार्टी का संविधान कहता है। बहरहाल, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि संभवतः आने वाले दिनों में शायद एक लंबी कानूनी लड़ाई भी हम लोगों को लड़नी पड़े, वहाँ पर हम लोग इस बात को मजबूती से हम लोग रखेंगे। बट आज आप लोगों की जानकारी में सिर्फ मैं इन बातों को देना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैं सामने इसलिए नहीं आ रहा था या अपनी बातों को, क्योंकि आज हम लोग दिन भर एक लंबे समय तक हम लोगों ने लीगल ओपिनियंस क्या क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर क्या क्या चीज़ें हैं, सुबह से लंबे समय से हम लोग की बैठकें चल रही थी, तमाम इन जानकारियों को हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग साझा कर रहे थे। और ईमानदारी की बात है, मैं बहुत ज़्यादा मैं चाहता नहीं था कि ये मसला इस तरीके से बढ़े। जैसा मैंने कहा कि मेरा हमेशा प्रयास रहा कि अगर परिवार की बात है और पार्टी भी मेरा परिवार है, अगर इसको हम लोग बंद कमरे में अगर आपस में बैठकर अगर हम लोग इसको सुलझा पाते, वो मेरा प्रयास ज़्यादा था। पर अब जब मेरे पास कोई और विकल्प बचा नहीं, तो इसीलिए आप सबके समक्ष आकर मुझे इन बातों को रखना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि बार बार मैं देख रहा था, कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सिर्फ दो परिस्थितियों में खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो या स्वतः अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब वो रिज़ाइन करते हैं तो उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। बट ये तमाम बातें, जैसा मैंने कहा, लीगल मैटर्स हैं। यहाँ पे वाजपेयी साहब मौजूद हैं विस्तार में, अगर आप इनसे अगर कुछ आप जानना चाहें तो ये आपको और विस्तृत तरीके से आपको इन सब बातों की जानकारी देंगे। पर हाँ, आज आप लोगों के सामने आने का मेरा उद्देश्य बस यही था कि जो एक मैंने प्रयास किया था कि शायद परिवार पार्टी सारा मसला सुलझ जाए, आज जब वो सुलझा नहीं तो पार्टी में अनुशासन बना रहे, पार्टी जिस मजबूती से जिन विचारों के साथ आगे बढ़ रही है उन्हीं विचारों के साथ वो आगे बढ़ती रहे, इसके लिए ज़रूरी था कि मैं अपनी बातों को आप सब के माध्यम से, मेरे जितने समर्थक हैं या लोक जनशक्ति पार्टी में जितने लोग विश्वास रखते हैं, हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कल भी मुझे खुशी है कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई तो उस वक्त भी हमने सारे पदाधिकारियों ने जिस मजबूती से पार्टी के पक्ष में अपनी बातों को रखा, पार्टी को आगे लेकर जाने के लिए रखा, पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए रखा, उस दिशा में मैं अपने पार्टी के तमाम साथियों के साथ, तमाम पदाधिकारियों के साथ, नेशनल बॉडी के हों, स्टेट बॉडी के हों, स्टेट प्रेसिडेंट्स हों, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हों, हमारी जिला समिति के पदाधिकारी हों, जिला अध्यक्ष हों, उन सब की सहमति और मजबूती के साथ आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी पापा ने पूरे विश्वास, भरोसे और मेहनत के साथ उन्होंने बनाई, विश्वास इस बात का कि इस पार्टी के माध्यम से जिस तरीके से वो गरीबों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, समाज में कई ऐसे तत्व हैं जो निरंतर आपको बांटने का काम करते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इतिहास गवाह है, कई बार ऐसा प्रयास किया गया है।
और इसमें मैं पुनः मैं बोलूँगा, बांटने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ। दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया और निरंतर ये देखा गया कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा कि जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही फूट डाल दो, आपस में बांट दो ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाएँ। दलित महादलित बनाना सबसे बड़ा उसका एक उदाहरण है। तो निरंतर ये बांटने और राज करने की रणनीति इन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। पर जैसा मैंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ ना, मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है, मेरी तमाम पदाधिकारियों का समर्थन मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हो या व्यक्तिगत संपर्क साधने के माध्यम से हो, जिस तरीके से उनका प्यार और उनका समर्थन मुझे मिल रहा है, ये विश्वास मुझे देता है कि जिस सोच के साथ पापा ने इस पार्टी को बनाया था उसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले दिनों में मजबूती से आगे बढ़ेगी।